नमस्कार दोस्तों, चेस बेस इंडिया के हिंदी यूट्यूब चैनल पर मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नॉर्वे चेस के चौथे राउंड से भारत के लिए एक और अच्छी खबर आई। एक दिन के विश्राम के बाद विश्वनाथन आनंद जी ने एक और जीत दर्ज कर दी। जी हां, डिंग लीरेन को पराजित किया है, चाइना के विश्व नंबर 3 खिलाड़ी को। क्लासिकल में जरूर मुकाबला ड्रॉ रहा, लेकिन आर्मागेडन में आनंद का सेक्रीफाइस कुछ इस तरह से काम कर गया कि उन्होंने जीत मिल गई और ये उनकी लगातार दूसरी जीत है आर्मागेडन मुकाबले में, जो कहीं ना कहीं उनके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगी। क्लासिकल में तो वो कम से कम मैनेज हमेशा कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा खराब कभी नहीं खेलते मुझे लगता है, और ड्रॉ करने में जरूर सफल हो जा रहे हैं, इवन कार्लसन हो चाहे जो भी हो। लेकिन ब्लिट्स में कभी कभी एकदम ऑफ कलर नजर आए थे जब ये शुरू हुआ था नॉर्वे शतरंज, लेकिन आर्मागेडन में लगातार दूसरी जीत के साथ आनंद जो है बाउंस बैक कर गए हैं इस टूर्नामेंट में, और एक बार फिर 1.5 अंक उन्होंने एकत्रित किए हैं। आइए नजर डालते हैं क्या स्थिति रही है। मैग्नस कार्लसन अभी जो है 6.5 अंक के साथ सबसे आगे हैं। अच्छा, ये जो स्कोर है बोर्ड है, ये दोनों को मिला करके आर्मागेडन के मुकाबले के बाद और क्लासिकल के मुकाबले के बाद। आनंद जो दो दिन पहले, जो दो राउंड पहले 10वें स्थान पे थे, अब 7वें स्थान पे आ गए हैं 3.5 अंकों के साथ, और आने वाले टाइम में अभी उन्हें लेवन ओरोनियन से मुकाबला खेलना है, यू यांगी से खेलना है, वेस्टली सो से खेलना है, अभी करवाना से खेलना है, अभी ग्रिश्चुक से खेलना है, तो अभी काफी कुछ जो है खेल होना बाकी है। कल के मुकाबले में देखें तो कार्लसन जीते 1.5 आधे से, मामेदरों को हराया उन्होंने, और उसके बाद लेवन अरोरियन भी जीते आर्मागेडन मुकाबले में, हार गए सॉरी, तो लाग्रेव जीते उनसे, लाग्रेव जिन्हें आनंद ने हराया था, और वेस्टली सो ने करवाना को हरा दिया आर्मागेडन में, और आनंद ने डिंग लीरेन को हराया, जबकि एक ही मुकाबला सीधे सीधे परिणाम पे आया। अलेक्जेंडर ग्रिश्चुक हार गए यू यांगी से 2-0 से, मतलब क्लासिकल मुकाबला हारे दरअसल, इसीलिए वहां पे जो है वो 2-0 लिखा हुआ नजर आ रहा है। चले नजर डालते हैं आनंद का मुकाबला कैसा रहा, पहला जो क्लासिकल मैच था वो कैसा रहा, तो नजर डालते हैं उस पर। e4 e5 knight f3 बिशप c4 knight f6 d3 बिशप c5 जैको पियानो भी कह सकते हैं, और इटालियन लाइन पे ये जो है खेल खेला जा रहा है, और c3 d6 जो कि राय लोपेज के बाद मैं कहूँगी सबसे ज्यादा फेमस है इस समय शीर्ष खिलाड़ियों के बीच, और क्योंकि थ्योरेटिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइन है और दोनों तरफ से काफ़ी मौके मिलते हैं, काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट भी किया जा सकता है, वो आपको नज़र भी आएगा। यहाँ पर h3 लाइन खेली आनंद ने शुरुआत से ही, जवाब दिया a5 और रुक e1 h6, मैं आपको लेके चल रहा हूँ उस इंटरेस्टिंग पोजीशन पर जहाँ पर एक सेक्रीफाइस दिया डिंग लीरेन ने, और काफ़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन हो गई थी, बेहतर थे वो थोड़े से। बिशप b5 यहाँ पे आनंद ने खेला एक्सचेंज ना करते हुए बिशप को, ना ही बिशप को पीछे लेते हुए, क्वीन b8 और यहाँ पर नाइट f1 आनंद ने खेला है था, लेकिन इससे पहले एक्चुअली एक मुकाबला हुआ था जिसमें बिशप c6 ये हुआ था अनीश गिरी और डिंग लीरेन के बीच में, तो कुछ इस तरह से वो मुकाबला हुआ था cd4 बिशप b4 a3 बिशप d2 और मोरो के एक्सचेंज के बीच यहाँ पे दोनों खिलाड़ियों ने ड्रॉ ले लिया था। अच्छा, आनंद ने जो नाइट f1 खेला उसका फायदा ये है, दरअसल ये जब नाइट यहाँ रहता है तो आपको d4 पुश करने में प्रॉब्लम होता है, तो नाइट f1 एक तो तुरंत जो है किंग साइड की तरफ तैयार हो गया, दूसरा d4 जो वो है वो नहीं रुक रहा है, तो ये अंतर है दोनों पोजीशन में। क्वीन a7 आए तो यहाँ पे आनंद ने तुरंत d4 खेला, ed4 बिशप c6 नेचुरल है, मार रहा ही होगा, और यहाँ पर d c3 मार दिया डिंग लीरेन ने। अब दिक्कत यह है कि ये स्क्वायर डिफेंड नहीं किया था आनंद ने जब d4 खेला, अब तो आनंद ने यहाँ पर खेला गुड मूवी है बिशप a4 बिशप f2 किंग h2 तो d5, यहाँ पर एक्सचेंज सेक्रीफाइस जो है वो नजर आया, नाइट e4 बिशप e3 और बिशप इंटू f2 खेला, सॉरी c5 खेला तो बिशप f2 नाइट f2 क्वीन c2 क्वीन इंटू c इंटू b2 एंड देन रुके b1 c4 खेला और क्वीन इंटू b2। अब ये स्थिति आप देखिए, नाइट d3 क्वीन c3 नाइट इंटू e1 रुक इंटू e1। अब इस स्थिति को आप ध्यान से देखिए, आनंद के पास सीधा सीधा जो है एक रुक के बदले में दो मोहरे नजर आ रहे हैं आपको, दो माइनर पीसेस दिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर एक जो बड़ा डिफरेंस है वो है पॉन्स। आप देख सकते हैं कि आनंद के पास सिर्फ 4 पॉन है, जबकि यहाँ पर 7 पॉन दिख रही है डिंग लीरेन के पास, मतलब 3 पॉन अप है, 3 पॉन अप मतलब दरअसल ये पोजीशन उन्हें जीतनी भी चाहिए तो बेहतर भी हो सकती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या ये मोहरे जो है सही समय पर यूज में आएंगे, और खासतौर पर ये रुक, क्योंकि बोर्ड पर कोई भी ओपन फाइल नहीं है, तो ऐसे में रुक को पॉन के पीछे आना होगा, लेकिन पॉन के जो नेक्स्ट स्क्वायर है अगर वो टाइम से सफेद ने ब्लॉक कर लिए तो
तो वो रुक उतने इफेक्टिव नहीं रह जाएंगे। और यही आपको दिखेगा कि आनंद ने सही समय रहते हुए उनका इंतजाम किया, क्योंकि ये जो स्क्वायर है जिस पर अभी आनंद का कंट्रोल नजर आ रहा है, और खासतौर पर ये फाइल बंद एक ही फाइल जैसी सेमी ओपन फाइल है, तो यहाँ पर अभी आनंद अगले मूव में अपना रुक लेकर के आ गए। देखिए तो इस स्थिति में बोर्ड पर अभी ज्यादा कुछ यहाँ पर इन रुक के लिए है नहीं, तो ऐसे में अभी काला जो है कहीं ना कहीं अपने दो ये मोहरों और प्यादों के साथ खेल रहा है। तो अभी आनंद के पास ज्यादा मोहरे एक्टिव हैं बोर्ड के ऊपर, लेकिन कितने देर एक्टिव रहेंगे ये डिपेंड करता है। तो टाइम से क्या सब कुछ हो पाएगा, यहाँ पर उन्होंने खेला बिशप एफ फाइव रुक को डिस्टर्ब करने के लिए, बट रुक बी फाइव गुड मूव, क्वीन सी सेवन एंड नाउ नाइट ई थ्री। तो धीरे धीरे जो है वो मोहरे लाने की कोशिश, बिशप ई फोर सो नाइट डी टू, अब ये बिशप थोड़ा स्ट्रांग हो रहा है। सो रुक ई एट के बाद ये नाइट इसको लेना जरूरी हो गया था, क्वीन इंटू ई फाइव, क्वीन इंटू ई फाइव, रुक इंटू ई फाइव, और ये एक अच्छा पोजिशन था। आप देख सकते हैं कि सी फोर का जो ढांचा है, सी फोर का जो स्क्वायर है और डी फाइव जो पॉन है वो पिन है अभी। तो अभी पहले यहाँ पे गुड मूव खेला बिशप सी टू, अगर आप लेने जाते हैं सीधे सीधे आप पीस डाउन हो जाएंगे तो पॉसिबल ही नहीं है। सो एफ फाइव, सो नाउ गुड मूव नाइट इनटू सी फोर, तो यहाँ एक पॉन मतलब तीन पॉन कम थी, अब दो पॉन कम है। ओके रुक पीछे गया, अब एक पॉन ही जो है आनंद कम रहेगा यहाँ पर, तीन नहीं अभी भी दो पॉन कम है क्योंकि एक पॉन तो दिया। नाउ नाइट ई थ्री, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात रही कि आनंद पोजिशन को संभालते हुए ये पॉन लेने में भी कामयाब रहे, और इसके बाद ये बात साफ हो गई थी कि आनंद अब ये मुकाबला हारने तो नहीं वाले हैं, बल्कि डिंग लिरेन को भी केयरफुल रहना होगा। हालांकि यहाँ से दो पॉन हैं, लेकिन एक पॉन जो है आपका अगर जब तक ये बोर्ड पर रहेगा यहाँ से पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बिशप अच्छी लॉन्ग रेंज का पीस है, नाइट भी परेशान करेगा, और यहाँ पे भी किंग के आसपास आपको ध्यान रखना होगा वीकनेस का। तो इसी बात का संतुलन बोर्ड पर बन गया, और इसके बाद ये मैच जो है वो नहीं जीत पाए। डिंग लिरेन ने बहुत कोशिश की, एक समय तो आनंद भी बेहतर हो गए थे, और लेकिन शायद इतना आसान नहीं था इस मैच को निकालना। थोड़ी प्रोग्रेस करने की कोशिश की क्वीन साइड से, लेकिन इतना कुछ सफलता मिली नहीं वहाँ पर, क्योंकि आप ज़्यादा अगर पॉन आगे जाएंगे और गलती से अगर आपका एक आध पॉन एक्स्ट्रा चला गया उधर, तो फिर एंड गेम में और दिक्कत हो सकती है। हालांकि पॉन सिमेट्रिकल हैं, चूँकि यहाँ के आप देखें सिमेट्रिकल पॉन स्ट्रक्चर है इवन, तो मेरे हिसाब से अगर ये प्यादे एक्सचेंज भी हो जाते हैं इस प्यादे से तब भी ये ड्रॉ ही होता, ब्लैक भी डिफेंड कर लेता ये पोजीशन। खैर बिशप ई टू, किंग जी ये थोड़ा इंटरेस्टिंग बना था एंड में, बिशप डी थ्री, अपने बिशप की पोजीशन को लगातार रोटेट कर रहे थे यहाँ पर आनंद कि कुछ हासिल हो जाए। नाइट एफ फाइव, रुक बी टू एंड बिशप ई फोर, जी टू के स्क्वायर को प्रोटेक्ट करना जरूरी, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर उन्होंने खेला जी सिक्स, अभी आनंद ने खेला रुक एफ सिक्स चेक, किंग ई एट, और यहाँ पर आनंद ने खेल दिया बिशप सी सिक्स चेक। यहाँ पर शायद ये एक अच्छा मूव हो सकता था, नाइट एच सिक्स और किंग डी सेवन अगर आप हटते तो ये एक संभावना है यहाँ पर, क्योंकि अगर आप ए टू मारेंगे तब मैं चेक दे करके यहाँ पर चेक एंड हाँ उसके बाद आपका जो रुक है वो प्रॉब्लम में आ जाएगा, रुक मर सकता है। सो आपको किंग खेलना होगा ए थ्री, सो किंग डी एट यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर बिशप सी सिक्स चेक पे किंग डी एट खेला, सो नाउ नाइट डी फोर, तो थोड़ा सा परेशानी में नजर आ रहे थे लेकिन सही समय पे चैलेंज ढूंढने में कामयाब रहे डिंग लिरेन, और उसके बाद जो है स्थिति कुछ इस तरह से बन गई कि दोनों खिलाड़ियों ने यहाँ पर एक पॉन दे दी उन्होंने बाद में, लेकिन ए फाइव पॉन को मारना भी थोड़ा मुश्किल है। नाइट सी थ्री, यहाँ पर कुछ चालें जो है रिपीटिशन भी हुआ है यहाँ पर, लेकिन दोनों खिलाड़ी कुछ इम्प्रूवमेंट ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंततः ये जो मैच है थोड़ा लंबा चला, लेकिन दोनों खिलाड़ी थोड़ी देर बाद जो है वो ड्रॉ पर सहमत हो गए। तो मैं सीधा उसी स्थिति में लेके जाता हूँ आपको, थोड़ा यहाँ पर मतलब कुछ चालें आई लगातार, दोनों खिलाड़ी कोशिश कर रहे थे लेकिन कुछ खास इम्प्रूवमेंट, यहाँ पर एक प्यादा भी गया एंड पर वाइट के लिए मुश्किल ही है और एक प्यादा वापस, तो दोनों तरफ से कुछ इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की गई, लेकिन आनंद जो है वो टाइम से इस पोजीशन को डिफेंड करने में कामयाब रहे, और लगभग मुझे लगता है कि 70-80 चालों के आसपास जो है मुकाबला ड्रॉ हुआ था। हाँ जी हाँ यही पोजीशन है, हाँ, और इस पोजीशन में आनंद जो है देख सकते हैं कि पॉन बराबर है, लेकिन पॉन स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि इसमें इम्प्रूवमेंट जो है वो नहीं किया जा सकता है। काफ़ी कोशिश हुई इसके बाद, काफ़ी मैच चला, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये पोजीशन में कोई इम्प्रूवमेंट संभावना ही नहीं है आप कहीं से भी, क्योंकि एक तो कॉर्नर पॉन है और कहीं का पॉन होता तो भी कुछ सेक्रीफाइस करके या किसी तरह से किंग के एडवांस होने का फ़ायदा लिया जा सकता था,
बट आनंद जो है काफ़ी लंबे चले इस मैच में, ड्रॉ करने में कामयाब रहे। किंग f4 उनका कहना था कि यहाँ पे शायद बेहतर हो सकती थी चाल, क्योंकि अगर आप यहाँ पर अब किंग h2 आते हैं तो रुक d3 एक गुड मूव आ रहा है, और बट ये जीतेंगे कैसे ये मुझे समझ नहीं आ रहा है अभी भी ये पोजीशन। खैर तो ये पोजीशन जो है वो ड्रॉ रही दोस्तों। अब चलते हैं उस मुकाबले में जिस मैच में आनंद ने जीत दर्ज की। जी हाँ, आर्मेगेडन का मुकाबला हुआ और ये मुकाबला काफी रोचक हुआ कि आनंद ने मात्र 27 चालों में जीत दर्ज की। तो फटाफट चलते हैं उस मुकाबले की ओर। शुरुआत कुछ इसी तरह से हुई, इसी वेरिएशन में हुई, क्या अंतर था, सीधा उस स्थान पर चलेंगे। बिशप d6 बिशप b5 जो कि पिछले मुकाबले में हुआ था, क्वीन b8 नाइट f1 और जैसे यहाँ पे क्वीन a7 खेला, तो आनंद ने यहाँ पर पिछले बार उनको जो सेक्रीफाइस याद था कि f2 पे जो है सेक्रीफाइस यहाँ पर डिंग लिरेन ने मारा था, उस बात का ध्यान रखते हुए आनंद ने इस बार खेला क्वीन d2। थोड़ा सरप्राइजिंग है, दरअसल क्वीन d2 दो काम कर रहा है, f2 को तो प्रोटेक्ट कर ही रहा है, d4 को जो है उसने अलाइव रखा हुआ है, जो d4 नेक्स्ट मूव में आने वाला है। मतलब बिशप बंद जरूर दिख रहा है लेकिन प्लान जो है वाइट के, क्योंकि अभी टेम्पो भी गेन होगा जब पॉन आगे बढ़ेगा, तो एक मूव हमें मिल जाएगा बिशप को निकालने के लिए। ओके, यहाँ पर रुक लेकर के आए, रुक d8, सो नाइट g3, पहले नाइट को बेहतर किया, नाइट e7 खेला, नाइट को अलग किया वहां से, सो d4, बिशप b6, ई अब तुरंत ही क्वीन को अलग किया यहाँ से ताकि बिशप के लिए जो है वो रास्ता बना, तो नाइट g6 लेके आए और बिशप e3। ये पोजीशन आनंद की सॉलिड हो गई थी, आप देख सकते हैं सारे मोहरे निकले हुए हैं और खासतौर पे अब ये बिशप भी थोड़ी देर में एक्शन में जरूर यहाँ पर लौटेगा। तो उसके बाद जो स्थिति है तो थोड़ा सा आउट ऑफ प्ले नजर आता है क्वीन एंड बिशप, क्योंकि आप जो टारगेट कर रहे हैं वो आपको हासिल नहीं होने वाला है, जबकि जो वाइट है वो जरूर अपने क्वीन को जो है किंग साइड जो है वो ले जा सकता है, शिफ्ट कर सकता है, और ऐसा हुआ भी आगे। खैर c6 बिशप d3, इस पूरी पोजीशन में जो बड़ा अंतर है वो ये है कि क्वीन का जो पोजीशन है आनंद ने उसको जो है इनरेलीवेंट बना दिया है। मतलब आनंद की जो स्थिति है उससे ये क्वीन का जो पोजीशन है वो बहुत खराब साबित हो गया है, अब उसका वहाँ पे कोई यूज नहीं रह गया है, और अभी इतना वक्त नहीं है कि क्वीन को जल्दी से किंग की तरफ लाया जा सके या सेंटर की तरफ भी लाया जा सके, और इसी बात का फायदा जो है आनंद ने लिया, उन्होंने महसूस कर लिया था और क्वीन d2 खेला और यहाँ पर बोर्ड को खोलने की कोशिश की d5 के साथ, लेकिन आनंद की नज़र कहीं और थी, उन्होंने मारा बिशप इंटू h6। अब यहाँ पर अगर जी इंटू h6 आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो e इंटू d5, रुक इंटू d5, तो क्वीन इंटू h6, ये पोजीशन जो है वाइट के लिए विनिंग है। आप चाहें तो इस पोजीशन को बोर्ड पे लगा के थोड़ा सोच सकते हैं कैसे आप जीत रहे हैं यहाँ पर। दूसरा एक तरीका, अगर e इंटू d4 भी मारते हैं, cd4 bd4, ये पोजीशन भी जो है आनंद के लिए ही बेटर है। ओके, अब यहाँ पर आप चाहें तो नाइट इंटू d4, क्वीन d4 और बिशप e3, इस तरह से वापस आ सकता है और ये पोजीशन जो है अच्छी ही रहेगी सफ़ेद के लिए। खैर उन्होंने मारा डी इंटू e4 और ये एक्चुअली एक गलत चाल साबित हुई, क्योंकि आफ्टर नाइट इंटू e4 आपका जो एक बड़ा डिफेंडर है पोजीशन में किंग की तरफ, उसको ना सिर्फ हटना पड़ा बोर्ड से, बल्कि एक हमारा जो एक पीस है बड़ा वो गेम में आ गया अटैक करते हुए। तो ये डी इंटू e4 डिंग लिरेन की एक गलत चाल साबित हुई। उसके बाद उन्होंने bd5 खेला, अच्छा मूव था। यहाँ पर सजेशन कई लोग दे रहे थे और जो मतलब खेल के बाद भी खिलाड़ियों ने बताया, बिशप g5 एक अच्छी चाल हो सकती थी और इस रुक को जो है वो दे देने की बात चल रही थी। खैर यहाँ पर जी इंटू h6 भी, अगर जैसे मान लीजिए बिशप d5 ना खेल के जी इंटू h6 खेलते तब तो क्वीन g5 bd5 और रुक g4, तो ये पोजीशन भी खत्म हो जाती। तो ऐसे में उन्होंने खेला जो रुक g4, इसकी जगह बिशप g5 एक अच्छा मूव हो सकता था। खैर रुक g4 e4 मूव आ गया, यहाँ पर नाइट h4 खेला, तो अपना जो है एक पीस अभी यहाँ पे पूरा पूरा चला गया। ओके, और एक पीस जो है h6 पर रखा हुआ है, तो यहाँ पर आनंद खेल सकते थे नाइट इंटू g6, fg6, रुक g6, और ये पोजीशन थोड़ी सी अटैकिंग है पर अब बराबरी की है, अभी बहुत ज़्यादा कुछ वहाँ पर हो नहीं रहा है। पर नाइट f5, ये थोड़ी पूरे गेम में ये सबसे गलत चाल हुई आनंद से, लेकिन आप जानते हैं आर्मगेडन मतलब कि ब्लिट्ज मुकाबला चल रहा है और वो भी बिना इंक्रीमेंट के, तो निश्चित तौर पर ऐसी मूवें सामने आएंगी। और अगली चाल यहाँ पर डिंग लिरेन ने बिशप e6 चल दी और ये उनकी सबसे भारी भूल साबित हुई। यहाँ पर रुक e2 एक अच्छा मूव हो सकता था और बल्कि क्वीन d3 के बाद क्वीन a6 एक शानदार मूव, जहाँ पे आपको क्वीन एक्सचेंज करने के लिए जाना होगा और ये मुकाबला आपका खराब हो जाएगा आनंद का। लेकिन बिशप e6 के बाद आनंद समझ चुके थे और उन्होंने बेहद शानदार, आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं,
बिशप इनटू G7। जी हाँ, और ये खेल जो है ओवर हो गया क्योंकि बिशप F5 के बाद क्वीन H6 और बिशप आप देख सकते हैं, अगर आप पॉज करें तो बहुत अच्छा है, सोच सकते हैं यहाँ पे क्या है। जवाब दिया रुक E6, मेट इन टू लगा दी यहाँ पर आनंद ने, बहुत ही आसान, बिशप H8 और अब मेट जो है वो G7 पे नहीं रुकती। और ये एक आप कह सकते हैं कि बड़ी जीत आनंद के लिए, आत्मविश्वास के लिए भी और इस टूर्नामेंट में उनके आगे बढ़ने के लिए संभावना को भी एक कहते हैं बल देती हुई समझ में आती है। तो एक अच्छा मुकाबला आनंद की तरफ से और उम्मीद है कि आनंद आगे भी यूं ही शानदार मैच खेलते रहेंगे और हम यूं ही आपके लिए कवरेज लेके आते रहेंगे दोस्तों। तो ये था चेस बिश इंडिया के लिए, मैं निकलेश जैन, और अपने सुझाव हमें जरूर भेजें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषी लोगों तक इस चैनल इस वीडियो को पहुँचाएं। चेस बिश इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन, जय हिंद।